Myself Varinder Dagor. I am taking your class on the podium of Tagore English Academy or others Tagore Shiksha Samiti Nadbhai. Now in this class I am going to teach RBSC 10th class. Their topic is email writing. This is a formal letter and in this letter writing हम देखेंगे कि ईमेल राइटिंग कैसे किया जाता है। तो ईमेल राइटिंग में देखिए क्या होता है। हमारे पास जैसे हमने बताया था टू काइंड्स के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल बट क्या है इनफॉर्मल, तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन इसमें फॉर्मल में और इसमें भी किसको अपन आज नोट करेंगे, ईमेल। तो पहले हम समझ लें ईमेल क्या है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल मींस पत्र और इलेक्ट्रॉनिक विद्युतीय पत्र। तो विद्युतीय पत्र होता है जो इंटरनेट के द्वारा जो पत्र भेजा जाता है और इंटरनेट से दूसरे इंटरनेट पर, कहने मतलब क्या, एक साइट से दूसरी साइट पर या एक गूगल एड्रेस से दूसरे गूगल एड्रेस पर, या हम कह सकते हैं एक ईमेल से दूसरे ईमेल पर, ठीक। तो ये सब नेट के एड्रेस होते हैं और नेट सिस्टम में ये जो पत्र भेजा जाता है वही ईमेल होता है। इस लेटर में क्या है सुनिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें एक फॉर्म, यस मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि क्या होता है कि ये कॉलम होता है टू, और इस टू वाले फर्स्ट वाले कॉलम में अपन क्या करते हैं, इस तरह का एक बॉक्स बनाकर, जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये टू, टू वाला कॉलम है, इस कॉलम में क्या होता है कि एक पर्सन का ईमेल एड्रेस आता है, इस पर्सन के लिए अपन सेंड कर रहे हैं, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस आता है। उस ईमेल एड्रेस में क्या होता है कि हमें ये देखना कि कौन पर्सन अपनी आईडी किस नाम से बनाता है, खुद के नाम से या कोई किसी और वर्ड लेकर कैसे बना सकता है। तो हमारा जो ये आइडेंटिटी हमारे नाम की, मैं मेरे नाम से बना रहा हूँ, तो जैसे मैं हरिंदर डागोर, ये मेरा नाम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेपरेट, टच नहीं करना है, ऐसे टच नहीं होगा, ना स्पेस होगा, ना ही किसी लेटर में हम क्या करेंगे स्पेस दे सकते हैं, ठीक, ना टच करेंगे ना स्पेस देंगे। अब हरिंदर डागोर किस वेबसाइट पर है, उसके लिए एट, एट मींस पर, कहां पर है, तो जैसे ये एक मार्क होता है, इस तरह का एक मार्क होता है एट द रेट वाला, जो ए से बनता है। जैसे हमने कैसे बनाया, ए को ऐसे लिया और इसको उल्टा ऐसे घुमा दिया यहां तक, ठीक, तो जहां से स्टार्ट किया वहीं तक घुमा दो, बस इस तरह से ये बन जाता है। फिर से मैं एक बार और बता दूं, यहां से लेकर ऐसे ऐसे, ये भी टच नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम किस वेबसाइट पर हैं, हमारी वेबसाइट मान लो, जैसे बहुत सारी वेबसाइट है, जीमेल, एक वेबसाइट कौन सी है अपनी, जीमेल वेबसाइट है, ठीक। अब जीमेल कॉमर्शियल है या कौन सी है, तो डॉट कॉम, ये यहां नहीं आ रहा लेकिन मैं यहां ही आपको बता देता हूं, डॉट कॉम, ये अपना एक एड्रेस हो गया, क्या हो गया, ईमेल एड्रेस। तो हम ऐसा एक एड्रेस बनाएंगे और उस एड्रेस को या मिडिल में, टच नहीं करना चाहिए, मिडिल में लिखेंगे इस तरह से, बराबर स्पेस रखते हुए, टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इस तरह से ये एड्रेस। तो ना ही इस लाइन में टच करना है, ना ही इस लाइन में टच करना है, एकदम से परफेक्ट एड्रेस आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखें आप इस तरह से। अब क्या होगा, ये हमारा पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जिसको अपन कह रहे हैं। अब सेकंड कॉलम में क्या आएगा साहब, सेकंड कॉलम में आएगा सीसी। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है जो यहां लेटर, जो हमें लेटर सेंड करना है किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, वही लेटर, वही लैंग्वेज, वही चीज हमें दूसरे व्यक्ति को सेंड करनी है ईमेल से, तो वही इंफॉर्मेशन
हमें दूसरे व्यक्ति को सेंड करनी है, तो ऐसा ही एक दूसरे व्यक्ति का एड्रेस हम यहाँ लिख देंगे। वैसे मोस्टली एक ही व्यक्ति का एड्रेस आता है जो हम यहाँ नोट कर देते हैं, लेकिन अगर कहीं आता है दो लोगों का, तो पहले का यहाँ और दूसरे का यहाँ, सेम एड्रेस इस कॉलम में, सीसी वाले कॉलम में। ठीक, तीसरा है हमारे पास कौन सा, बीसीसी, बीसीसी। इसका मतलब है एक कार्बन कॉपी है और ये दूसरी कार्बन कॉपी है, इसका मतलब है ब्रॉड कार्बन कॉपी, बड़ी कार्बन कॉपी, क्योंकि इसमें पूरा होता है। पूरा का मतलब एक का एड्रेस ये आ गया, दूसरे का एक ये आ गया, लेकिन दो से ज्यादा जितने लोग हैं, दो से ज्यादा 5, 10, 15, 20, 50 जितने लोग हैं, उन सबके एड्रेस यहाँ बीसीसी में नोट किए जाते हैं, इस कॉलम में नोट किए जाते हैं, उसके लिए यूज होता है। अगर इनके एड्रेस नहीं दे रखे तो कुछ नोट नहीं करना, इनको इस तरह खाली छोड़ देना है, टच नहीं करनी कोई भी लाइन, कुछ भी नोट नहीं करना। अब क्या करेंगे अपन, अपन इस कॉलम में करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। जैसे अब फॉर्मल लेटर में और एडिटोरियल में सब्जेक्ट आता है, सारे उनमें सब्जेक्ट आते हैं, इस तरह से इसमें सब्जेक्ट करेंगे, जो हमारा चौथा पॉइंट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है साहब, अब इस सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, इसमें ध्यान देना है आपको, ये सब्जेक्ट 2 से 4 से, अबाउट से या अगेंस्ट से, या आईएनजी फॉर्म से, या आपके नाउन से स्टार्ट होगा, और इसके वर्ड होंगे 1 to 5, कितने, 5 शब्द। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है 2 से, जैसे हमने स्टार्ट कर दिया 2 से, बीच में ही लिखना है, लाइन कोई टच नहीं करनी है, या हम हो सकता है 4 से स्टार्ट कर दें, या हो सकता है हम अबाउट से स्टार्ट कर दें, या हो सकता है अगेंस्ट से, इनमें से कोई एक वर्ड लेना है, ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि इन सारे वर्ड को लिख दें, इनमें से कोई एक वर्ड लेना है और उन एक वर्ड से हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है इसमें कितने वर्ड, इसमें वर्ड होंगे 1 to 5, 1 से 5 शब्द यूज करने हैं, इनमें से एक, बार बार मैंने यही कह रहा हूँ, एक प्रपोजिशन यूज करना है और 1 से 5 शब्द होने चाहिए। तो देखिए ये हमारा केवल ऊपर का फॉर्मेट हो गया, ऊपर से हमने फिल कर लिया, क्या ऊपर एक 2 वाला कॉलम जिसमें एक पर्सन का एड्रेस, सीसी में दूसरा एड्रेस, बीसीसी में 2 से ज़्यादा वाला एड्रेस, और सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट जिस पर आप लेटर ईमेल भेज रहे हो। अब देखो क्या होगा, अब इस सारे लेटर का जो मेन जो वो है पॉइंट आएगा 5th पॉइंट, कौन सा, बॉडी वाला। अब बॉडी में क्या करना है आपको, बॉडी में कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उन पॉइंट्स पर फोकस करना है। तो देखो बॉडी में सबसे पहले क्या होता है, जैसे लेटर में होता है सैल्यूटेशन, तो बॉडी में सबसे पहले वही सैल्यूटेशन लिखा जाएगा, सैल्यूटेशन यहाँ पर आएगा बड़े वाले कॉलम में। ठीक है, जैसे आपका डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, जो भी आप लिखोगे वो इसमें आएगा बड़े वाले कॉलम में। तो हम कहाँ लिखेंगे उसको, हम बेटा यहाँ लिखेंगे उसको रेस्पेक्टेड सर इधर, और ये कॉमा अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, लगाओ मत लगाओ। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट इसका, नेक्स्ट पॉइंट रेस्पेक्टेड सर के बाद इसकी होगी लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो इशू है वो मेन इशू ये है। तो देखिए कि लेटर राइटिंग अपन करते हैं, तो लेटर राइटिंग में 1-2 सेंटेंस अपने पास से भी लगा देते हैं, कुछ हैंड्स के लिए पॉइंट आते हैं हम उनको भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ईमेल राइटिंग में क्या होता है, जो क्वेश्चन के अंदर जो मैटर दिया गया है केवल उसी से रिलेटेड बातें लिखनी है, कोई बात एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है, को लिमिटेड वर्ड्स में होना चाहिए, क्योंकि इसको ईमेल सेंड करने का चार्ज होता है, चार्ज के अकॉर्डिंग ईमेल छोटी और सूटेबल होनी चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स में होनी चाहिए। ठीक, तो कम शब्दों में अपनी पूरी बात हो जाए, और जो हम इम्प्रेशन देना चाहते हैं अपने लेटर के अकॉर्डिंग वो इम्प्रेशन कंप्लीट हो जाए, और हमारे वर्ड लिमिट बहुत ही कम रहे। ठीक, अब क्या करेंगे लैंग्वेज के बाद, 3rd पॉइंट जो आएगा इसी में लैंग्वेज के नीचे एक पॉइंट आता था लेटर में, सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप लिखते थे योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, इसमें आएगा योर्स
ओबीडेंटली, तो मोस्टली आपके लिए प्रिंसिपल को ही भेजने के लिए आता है, या अगर किसी और के लिए आ जाए तो योर्स ट्रूली यूज करेंगे, जैसे एडिटर के लिए आता है, आ जाता है कभी कभी, बोर्ड सेक्रेटरी के लिए आ जाता है, तो अपन क्या यूज करेंगे, योर्स ट्रूली यूज करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करके अपन फिर यूज करेंगे साहब सिग्नेचर, इसका ही लास्ट पॉइंट है बॉडी का सिग्नेचर। ठीक, ये सिग्नेचर में, तो इसमें एक्स वाई जेड, इसमें किसका नाम, इसमें आएगा सेंडर्स नेम, सेंडर्स नेम जिसका अपन नाम भेज रहे हैं। तो हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, देखो बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर ली हमने, मान लो एक सिंपल सी लैंग्वेज लेते हुए, विद ड्यू रेस्पेक्टफुली, फुली आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू, ठीक, जो भी आप करना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू, कुछ भी लैंग्वेज यूज करिए। यहाँ से अपन ने लैंग्वेज यूज कर ली, उसके बाद हमारी लैंग्वेज में जो भी रीजन है या टाइमिंग है, प्लेस है, जो भी आपको लैंग्वेज में अपन को जो प्रॉब्लम देनी है वो दे दी। ठीक, ज़्यादा वर्ड्स में नहीं देनी है, बस 3 से 4 या 5 लाइन मुश्किल से, वो भी इस बॉक्स के अंदर, इसे बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद वही काइंडली वाला आ जाएगा। ठीक, काइंडली या काइंडली कंसीडर माई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट थैंकिंग यू सर, ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपना सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। मान लो आप योर्स ट्रूली करिए, योर्स ट्रूली आजकल का बहुत अच्छा वर्ड है, इसको यूज करिए, मोस्टली यूज यही हो रहा है। और उसके बाद आप सेंडर्स नेम एक्स वाई जेड में कुछ भी करिए, ये होता होएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एक हमारे यहाँ बॉक्स भी हमें बना दें, छोटा सा एक बॉक्स बना दें अगर हम चाहें तो, यहाँ एक बॉक्स बना दें, वो हम पे डिपेंड करता है, नहीं बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, बना देंगे, कई जगह फॉर्मेट में ये दिया हुआ होता है इस तरह से। अब इसमें क्या है, शेप, सेंड और डिलीट, ये ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये पूरा क्या है कि इंटरनेट का प्रोग्राम है, इंटरनेट पर जो पत्र भेजा जाता है, ठीक, इंटरनेट के द्वारा जो पत्र एक साइड से दूसरी साइड पर या एक ईमेल एड्रेस से दूसरे ईमेल एड्रेस पर भेजा जाता है, एक ईमेल के द्वारा भेजा, वही ईमेल पत्र है और क्या है, तो इसमें पूरा जो कंप्यूटर वाला फॉर्मेट है वही यूज करना पड़ेगा आपको सारा का सारा। तो एक बार फिर देख लो जो इसमें है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल में कुछ नहीं है, जो ईमेल है ये विद्युतीय पत्र है जो इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल से, जहाँ भी आप नेट यूज कर रहे हैं वहीं नेट से होगा ये। और उसमें क्या होगा कि उसमें इस तरह बॉक्स दिया गया होगा, आपको तो कागज़ पर बनाना है, अपने पेज पर बनाना है, ये दिया हुआ होगा इस तरह का फॉर्मेट। उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट कॉलम बनाना है, दूसरा कॉलम बनाना है, तीसरा, चौथा, 4 कॉलम आपको छोटे छोटे बनाने हैं, 1 कॉलम बड़ा वाला बनाना है। अब जो फर्स्ट जो छोटा वाला कॉलम है इसको इस तरह से आप अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपको ये नोट करना है कौन सा कॉलम है, तो 2 वाला कॉलम आएगा सबसे पहले। 2 वाले कॉलम में आप अपने एड्रेस को लेते हुए, आप अपने एड्रेस को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, कोई वर्ड टच नहीं करना चाहिए ना लाइन को ना आपस में, ठीक है। तो यूज करते हुए आप अपना एड्रेस दे देंगे, उस एड्रेस में आप फिर एक बार सुन लें, अपना नाम आएगा और आप अपने नाम से रजिस्टर्ड हैं किस वेबसाइट पर, किस साइट पर रजिस्टर्ड हैं, तो आप देख लो। एट, एट मीन्स पर क्या है, प्रपोजिशन क्या है, एट एट, लेकिन क्या ये प्रपोजिशन का मार्क यूज किया जाता है, एट द रेट, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक। तो एट द रेट gmail.com इस तरह से, ठीक। आप देखिए इसमें क्या करना है, अब हमको फिर सीसी कार्बन कॉपी है, मतलब यही समाचार, ये जो पत्र वाला दूसरे व्यक्ति के लिए जाना है तो उसका एड्रेस पर यहाँ लिख देंगे, और यही कार्बन कॉपी, यही समाचार, यही पूरा किसके लिए जाना है, 2 से ज़्यादा 10, 5, 20, 30, 50 जितने लोगों उनको आप बीसीसी में नोट कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चौथे कॉलम में अपना सब्जेक्ट डालेंगे, इस तरह सब्जेक्ट वर्ड डालेंगे और सब्जेक्ट नोट करेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, टू, फोर, अबाउट, अगेंस्ट,
ing एंड noun, इनसे शुरू करेंगे सब्जेक्ट को, ठीक। और इनमें वर्ड लिमिट होगी 1 से 5 शब्द, हाईएस्ट 5 वर्ड्स। आप 5 वर्ड्स यूज करेंगे, इसके 5 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं करने हैं क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसलिए और ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट आप जो भी है मेन वर्ड्स को यूज़ कर दें, इनको नहीं यूज़ करें, इनमें से कोई प्रपोजिशन कोई चीज़ नहीं यूज़ करें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। आप आसानी से, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, लाइनें टच नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें ये गलत हो जाता है बच्चों से, यही स्टूडेंट गलत करते हैं बस, ठीक। दूसरा, एड्रेस में कोई एक भी लेटर टच नहीं होना चाहिए आपस में। तीसरी बात, उनमें स्पेस नहीं आना चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए, बराबर उस पे होने चाहिए, ठीक। अब आ जाइए, अब इस बड़े कॉलम में क्या करेंगे, इसमें पूरी बॉडी का जो लेटर है, जो पूरी बॉडी मेंटेन की जाती है, इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट आपका सैल्यूटेशन वाला है। यहाँ आप रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, डियर फादर, डियर मदर, जिसको भेज रहे हैं आप उसको यहाँ सैल्यूटेशन देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट होगी, तब आप लैंग्वेज स्टार्ट करते चलिए, जो आपकी लैंग्वेज है भाषा आराम से मेंटेन करिए। लिमिटेड वर्ड्स में बार बार कह रहा हूँ, शब्द सीमा का ध्यान रखें, बढ़िया शब्दों का चयन करें, अच्छे शब्दों के साथ जो रीजनेबल हों, बस कम शब्दों में पूरी बात हो जानी चाहिए, इस टाइप से आपको मेंटेन करना है। उसके बाद आपको लास्ट जो लाइनें आती हैं कि प्लीज़ कंसीडर माय रिक्वेस्ट या काइंडली कंसीडर माय रिक्वेस्ट, थैंकिंग यू सर, योर्स ट्रूली, ये आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन है, ठीक। अपने फादर के लिए योर डियर सन, योर डियर अंकल, सॉरी योर डियर डॉटर, योर लविंग डॉटर, तो आप जो भी हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे लास्ट में, ये लास्ट पॉइंट है सिग्नेचर, ये बॉडी वाला, ठीक। इस तरह का एक फॉर्मेट, एक ईमेल बन के तैयार हो जाती है आसानी से, ठीक। मैं आप इसके रिटन नोट्स ऑलरेडी भेज चुका हूँ और मैं आपको ये क्लासेस, ये देख लो, ये आप आसानी से नोट कर सकते हैं इस बोर्ड से भी, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इस पर एक क्वेश्चन और आपको एक बनाकर बताएंगे, ठीक है। बस आज की क्लास, थैंक यू।